हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के अंबेडकर नगर इलाके में, और आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में पानी भरने के लिए मोटर चालू करेंगे तभी आपके घर में फुल प्रेशर में पानी आएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बिना मोटर चालू किए और फुल प्रेशर में पानी आए? तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बिना मोटर के ये पानी यहाँ से बह रहा है। ये वो पानी है जो पीने के लिए पानी परोठा विभाग की तरफ से सप्लाई किया जाता है, और इस तरह से ये पानी यहाँ पर गटर में बह रहा है। हजारों लीटर पानी इस तरह से यहाँ से हर रोज निकल कर बहता है। वो भी आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी कहना है कि आज जितनी रफ्तार से पानी बह रहा है रोज के मुकाबले इसकी ये रफ्तार जो है काफ़ी कम है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पानी कितने रफ्तार से रोज़ यहाँ से बहता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल में जिस तरह से पानी टपकता है उसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। ठीक उसी तरह से इस गटर से ये जो पीने का पानी बह रहा है इसका भी पता नहीं लगाया जा सका है। आपको बता दें कि स्थानीय लोग जो है कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, और पानी परोठा विभाग के जो अधिकारी है, जो इंजीनियर है, वो यहाँ पर आते हैं और ऐसे खुदाई करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई भी इसकी जो है लीकेज पता नहीं चलती है। यहाँ पर खुदाई किया गया, उसके बाद और आगे बताएंगे आपको कि आगे एक जगह है वहाँ पर भी जो है इसी तरह का खुदाई किया गया पानी के लीकेज का पता लगाने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि कई महीनों से इस तरह से जो है यहाँ पर यह पीने का पानी जो है बर्बाद हो रहा है। धन्य है ऐसे इंजीनियर और धन्य है ऐसे अधिकारी जो इस तरह से पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये पानी कैसे बह रहा है। कहां कहां से ऐसे इंजीनियर आते हैं, कौन इनको नौकरी देता है, ये तमाम सवाल उठ के खड़े होते हैं कि वो पानी लीकेज कहां से हो रहा है इसकी जानकारी ही नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे जो इंजीनियर हैं उनको तो चाहिए कि जो स्थानीय लोग हैं ऐसे इंजीनियरों को एक सम्मान सत्कार देकर उन्हें सम्मान से नवाजा जाए कि उन्हें लीकेज मिल ही नहीं रहा है। इसी तरह से ये पानी यहाँ पर बह रहा है। आपको बता दें ये जो एरिया है यहाँ से आने जाने वाले लोगों को इसी पानी से होकर जाना पड़ता है, जिसके वजह से काफ़ी वाद विवाद भी यहाँ पर हो जाता है। ऑटो रिक्शा जाता है यहाँ से, अगर पानी जमा है किसी के ऊपर छींटा चला जाता है तो उसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी विवाद हो जाते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका भाई? कुछ नहीं बोलना है। नहीं बोलना है कुछ? हाँ, ये नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन देखो ऐसे ही पानी के किनारे किनारे रास्ते से जाएंगे, कीचड़ आएगा, पानी का छींटा आएगा, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं नहीं, बोलने का क्या, मैं क्या बोलूँ जब आदमी लोग नहीं बोल रहे। मैं समाचार में देखो, मेरा आदमी ये स्टॉप में रहते हो, क्या बोलेंगे आप? क्या नहीं भाई, मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ राशन दुकान। यानी कि कोई भी बोलने को राजी नहीं। आप देखेंगे इस तरह से पानी यहाँ पर बह रहा है। पानी की तकलीफें सबको है, सब चिल्लाएंगे हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। अब ये बताइए कि जब पानी सब यहीं पर बह जाएगा तो घर में पानी कहाँ से आएगा? आपको कनेक्शन दिखाते हैं कि ये कौन सा पाइप है। ये पाइप आप देख रहे हैं, ये जो पाइप है यही पाइप यहाँ से गया है। और दरअसल आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है टोरेंट का वायर डाला जा रहा था, उसके बाद उसी दौरान जो है यहाँ पर लीकेज हुआ और तब से ये पानी बह रहा है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन पानी परोठा विभाग के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वो यहाँ पर आते हैं, कभी यहाँ खोदते हैं, कभी वहाँ खोदते हैं, और वो ये कहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि
कि वो लोग कहते हैं कि इसका लीकेज मिल ही नहीं रहा है। एक महिला यहाँ पर है, क्या कहेंगे आप? एक कितना दिन से पानी जा रहा है, बहुत दिन से पानी जा रहा है, बंद हो रहा है नहीं पानी। उधर खड्डा खुन कर रखा है, उधर खड्डा खुन कर रखा है बहुत दिन से। उन लोग का कहना है कि मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पे लीकेज है, मिल रहा नहीं वो लोग का, ऐसा हो गया प्रॉब्लम। ताकि ठीक नहीं तो यानी ऐसे बहता रहे, पानी ऐसे बहता है। पानी आता है आप लोग के? हाँ पानी आता है, तो दूसरी जगह पानी, आधा पानी तो यहीं पर बह जा रहा है। देखो कितनी स्पीड अभी, और आप देखेंगे कि ये और तेज होते जा रहा है, यानी कि इसकी रफ्तार पानी की और तेज होते जा रही। ये गटर है और इसी गटर के रास्ते से जो पानी, जो पीने वाला पानी है, वो यहाँ से बहता है। पानी बढ़ेगा अंदर से बहुत। अच्छा, ये बहुत तेज पानी आता है, वो इतना तेजी से पानी बहता है कि यहाँ पे मैं खड़ा भी नहीं रह पाती हूँ, इतना पानी आता है वहाँ पे। पानी मेरा, ये मेरा गाड़ी है। तो आप तो कुर्सी लगा के बैठती है, पानी का छींटा सब आपके ऊपर जाता आता है, आता है। लेकिन जब जो टाइम पे पानी आता है, वो टाइम पे मैं मेरा चेयर लेके मैं ऊपर खड़ी रहती हूँ। जो टाइम में गिरायक आता है तो गिरायक को भी बहुत तकलीफ होता है। यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है, जनप्रतिनिधि है, उन लोगों से आप लोगों ने इसकी शिकायत की कि नहीं? सब शिकायत कर रहे हैं, हम लोग ने नगर सेवक को भी शिकायत कर रहे हैं, वो बोलते हम लोग को प्रॉब्लम मालूम ही नहीं पड़ता है कहाँ से पानी जाता है कहाँ से नहीं। यानी ये पानी ऐसे बहता ही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं बात। तो आप सुनिए कि जो जनप्रतिनिधि है, जो पानी प्रोठा विभाग के अधिकारी है, इंजीनियर है, क्या कहे जाए इन लोगों को ऐसे कि पानी इस तरह से, पीने का पानी। एक बात और आपको बता दें कि जो नगर सेवक है वो भी हंडा उठा के आंदोलन में महिलाओं और सबके साथ जाते हैं कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये पीने वाला पानी इस तरह से यहाँ पर बह रहा है। इसकी न्यूज़ एक बार और आप लोगों को दिखा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ यहाँ पर खोदना, वहाँ पर खोदना, यही काम यहाँ पर चल रहा है। यानी कि किस तरह से आप देखेंगे कि लापरवाही, खुलेआम ये लापरवाही है, या यूँ कहे कि क्या बोलेंगे आप? बहुत महीने से पानी बह रहे हैं, वो गोसाई साहब आके गए, इंजीनियर आने साहब आके गए, सब देखे तोड़न ताड़ी करे, इधर थोड़ा उधर थोड़ा वहाँ तोड़ रहे, उनको लीकेज नहीं मिल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं मिला उनको अभी। अच्छा, तो पानी कहाँ से आ रहा है जब फॉल्ट मिल नहीं रहा है? अभी उनको जब पता नहीं तो हमें कैसे पता, ये सब ये तोड़न तोड़ जब तोड़ा तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू है। धन्य है ऐसे इंजीनियर, धन्य है ऐसे अधिकारी जो एक लीकेज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इन लोगों को अब ज़्यादा क्या बोले, इस तरह से सिर्फ पीने वाला पानी, हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। ये पूरा एरिया देखेंगे आप तो पानी से ये डूब जाता है। शाम के वक्त करीब 7 बजे इस तरह से ये पानी यहाँ पर निकलना शुरू होता है इस गटर के रास्ते से, और उसके बाद ये करीब 9 बजे तक इसी तरह से ऐसे ही रफ्तार में ये पानी यहाँ से निकलते रहता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब यहीं पर पानी निकल जाता है तो इस तरफ तो पहाड़ी का इलाका है, चढ़ान है, वहाँ पर कितना पानी लोगों के घर पर जाता होगा, उनको कैसे पानी मिलता होगा, इसलिए लोगों को और भी पानी की परेशानी हो रही है। कैमरामैन नीलेश के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। बारी का पानी